नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आओ पढ़ाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से लेके आऊँ वीडियो रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण खबर। जैसा कि आप लोगों को बताया, वीडियो रिजल्ट को लेकर TSP और आरक्षित वर्ग के छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं इस रिजल्ट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, TSP क्षेत्र के और आरक्षित वर्ग के छात्र और अन्य छात्र भी रिजल्ट को लेकर और सिलेबस को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी के रिजल्ट को लेकर जो तो सवाल उठ रहे हैं, वैसे ही सिलेबस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले उन्होंने जो सिलेबस रखा था उसमें काफ़ी चीज़ों को बदलाव कर दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा, इस सिलेबस में से उन्होंने रीजनिंग को हटा दिया है, सोशल साइंस को हटा दिया है और साथ में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर कोर्स था, उसको हटा दिया है। और क्वेश्चन में और अंक बार और टाइमिंग में भी काफ़ी बदलाव कर दिया है उन्होंने। जैसा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर अपनी मनमानी की थी, वैसे ही सिलेबस को लेकर भी उन्होंने अपनी मनमानी कर दी है। जैसा कि आपको पता होगा, काफ़ी छात्र ट्विटर पे रिजल्ट के और सिलेबस के बारे में ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने बोर्ड कार्यालय जाकर हरिप्रसाद शर्मा जी से बातचीत की रिजल्ट के बारे में और सिलेबस के बारे में। पहले तो उन छात्रों की कोई बात नहीं सुनी गई, फिर छात्रों ने जब बोर्ड कार्यालय का घेराव किया गया, उसके बाद उनसे बातचीत की गई। TSP क्षेत्र के छात्र और आरक्षित वर्ग के छात्रों ने अपनी जो मांग रखी उसमें उन्होंने कहा कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला जाए और आरक्षित वर्ग को और TSP क्षेत्र के लोगों को 35% पर पास किया जाए, नहीं तो छात्रों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह बड़ा आंदोलन कर सकते हैं अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। के छात्र ने मुझे ट्वीट करके मैसेज करके क्या कहा है, TSP में बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको छात्र चुपचाप सहन नहीं करेंगे, बोर्ड को जवाब देना होगा और दोबारा से रिजल्ट जारी करते हुए TSP में ST SC को 36 पास कर मानकर मुख्य परीक्षा में शामिल करना होगा, ऐसा कह रहे हैं सभी छात्र, नहीं तो वह धरातल पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे कि उन छात्रों को इंसाफ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सभी छात्रों को आपकी परेशानी मालूम हो और आपकी समस्या का हल हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।